यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अगर हम बात करें टेक्निकल हेल्पर के बारे में तो इसकी मुख्य परीक्षा काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही है, जिसमें आपने देखा होगा 5 केंद्रों पर मुख्य परीक्षा क्या कर दी गई, निरस्त कर दी गई। जो 5 केंद्र थे दोस्तों, उन पर जो मुख्य परीक्षा निरस्त हुई है, इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं कि परीक्षा कब होगी। देखिए दोस्तों, आपको ये भी ध्यान होगा कि बीच में ऐसी बातें आई थी कि SOG जांच के बाद जो है 5 केंद्रों पर मुख्य परीक्षा होगी। तो आप दोस्तों अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, जांच कब हो, कब उसके सबूत मिले ना मिले, ऐसी कंडीशंस जो भी है, ठीक है, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। आपकी जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, 5 केंद्रों पर लगभग 1800 विद्यार्थी जिनकी मुख्य परीक्षा बाकी थी, उनका एग्ज़ाम जो है दोस्तों आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर जो है कभी भी हो सकता है। ध्यान रखना, आने वाले 15 दिन में कभी भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अचानक अनाउंस होगी आपके एग्ज़ाम डेट और अचानक जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करवा दिया जाएगा, और एग्ज़ाम होते ही आपका जो है जल्दी जल्दी जो आपके मेरिट सारी चीज़ें के जो है, इस चीज़ को जो है ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने पहले मुख्य परीक्षा दे चुके हैं उन बच्चों से भी मेरी गुजारिश है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को निरंतर आगे बढ़िए ज़िंदगी में और अच्छे से तैयारी कीजिए। इससे भी बड़े बड़े टेक्निकल हेल्पर से भी बड़ी बड़ी पोस्ट के एग्ज़ाम जो है आप फाइट कीजिए, आप तैयारी कीजिए दोस्तों, आपको अच्छा मुकाम मिलेगा, आगे बढ़िए। क्योंकि मुख्य परीक्षा को लेकर बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो चुके हैं, कुछ बच्चे 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कई बच्चों की, कुछ बच्चे लोन लेके इधर उधर से जैसा भी आपने जुगाड़ करके तैयारी में टाइम लगाया, वो तैयारी जो है पूरी तरह से आपको सक्सेस होती नहीं दिख रही, इसलिए आप डिमोटिवेट हो रहे। दोस्तों, जो होना था वो गया हो, अब आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, पॉजिटिव करिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको अच्छा मिलेगा, इससे भी बढ़िया मिलेगी, टेक्निकल हेल्पर से भी बढ़िया जॉब मिलेगी दोस्तों। और मुख्य परीक्षा बहुत सारे बच्चों की बहुत अच्छी हुई है और कुछ बच्चों के थोड़े जो है परीक्षा में जो है स्कोर, कुछ बच्चों का मेरिट जो है दोस्तों, मेरिट अभी जो है 1800 बच्चों का जो एग्ज़ाम बाकी है 5 केंद्रों पर, उसके बाद ही मेरिट फाइनल होगी कितना अप और डाउन जाता है। आप डिमोटिवेट मत हो, लगभग काफ़ी सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन होगा इसमें, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, फिर भी वो डिमोटिवेट हैं, उनका सिलेक्शन होगा, आप डिमोटिवेट मत हो, आप पॉजिटिव रखो अपने आप को कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो सकता है, आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। आप डिमोटिवेट होते हो, एक दिन अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो आप 15 से 20 दिन जो है अपनी तैयारी के ख़राब कर रहे हो। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जैसे DRDO की वैकेंसी आई हुई है, इसके अलावा TG2, इसके अलावा और भी वैकेंसियां बहुत सारी आने वाली हैं दोस्तों, लोको पायलट टेक्नीशियन, लोको पायलट जो है इसकी वैकेंसी भी लगभग 2023 में आएगी दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए आप अपनी तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए और निरंतर प्रयास करते रहिए दोस्तों। और मैंने जो है स्टार्टिंग में जिस दिन मुख्य परीक्षा हुई थी, विवाद हुआ था, उसी समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप चेक कर लेना, उसमें भी मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर आप इस मुख्य परीक्षा को किसी प्रकार से इस पर कोई एक्शन लेना चाहते हो तो आप सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट जो होता है उसमें स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, आप पढ़ते हो ना, एकता में ही शक्ति, तो वही चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर एक होना बहुत ज़रूरी था, सभी कोचिंग सेंटर के टीचर्स स्टूडेंट्स सब एक होते तो कुछ ना कुछ हासिल होता दोस्तों। और अभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निरंतर अपने जो है, अगर आप अपनी जगह सही हो तो अपने हक मांगने का हमारा अधिकार है, ये ध्यान रखना है, हक हम मांग सकते हैं और उसी प्रकार से कानून के दायरे में रहकर आप अपने हक की आवाज़ उठाते रहिए, हो सकता है आपका प्रयास सफल हो दोस्तों। धन्यवाद।